बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हो चुके हैं। इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात निकल कर आई है कि राज्य में पिछड़े वर्ग की आबादी 63% है। आपको बता दें कि बिहार में पिछड़े वर्ग दो भागों में बांटे गए हैं, एक ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरा ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग। इन दोनों को मिलाने पर पिछड़ों का आंकड़ा इतना पहुंचता है कि मुताबिक राज्य में 36% अति पिछड़ा वर्ग, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। वहीं सामान्य वर्ग की संख्या 15.52% है। बीजेपी ने जातिगत जनगणना पर साफ प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने भाषणों से जरूर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर वार किया है। रविवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पीएम मोदी ने कहा, मैं सोच रहा था कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। वो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उनमें भी मुसलमानों का। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा, यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है। मोदी ने आगे कहा कि आबादी के हिसाब से ही तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा। कांग्रेस वाले स्पष्ट करें कि आबादी के हिसाब से हक मिलेगा तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है, तो सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। खैर, ये बात रही सियासी बयानों की। अब आपको बताते हैं कि आखिर जातिगत जनगणना से बिहार की जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार कौन सा सियासी समीकरण साधना चाहती है। आपको बता दें कि बिहार में साल 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना की गई है। इससे पहले हर 10 साल में होने वाली जनगणना में केवल एससी और एसटी वर्ग की आबादी का आंकड़ा ही जुटाया जाता रहा है, लेकिन राज्य में रहने वाली सभी जातियों की संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया था। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद से पिछड़ों की राजनीति करने वाले दलों ने हमेशा से ही इस बात की मांग की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन हमेशा ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इससे पहले भले ही जनगणना में एससी एसटी के सिवा किसी अन्य जाति का जिक्र नहीं होता था, लेकिन कई अन्य सरकारी सर्वेक्षणों में ओबीसी समेत अन्य सभी नॉन एससी नॉन एसटी जातियों की आबादी का पता चलता रहा है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण या सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण आदि के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में ओबीसी की आबादी 55% के करीब है। बिहार में कास्ट सर्वे में 215 उपजातियों को शामिल किया गया। इससे पता लग सकता है कि प्रदेश में सामाजिक फैलाव का दायरा कितना विस्तृत है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सिर्फ 10 जातियां मिलकर बिहार की पूरी आबादी का 50% हो जाती हैं। अगर टॉप 26 जातियों को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 80% तक पहुंच जाता है। बिहार कास्ट सर्वे बताता है कि प्रदेश की 198 उपजातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 1% से भी कम है। बिहार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है। यूं तो हमेशा से ही माना जाता है कि बिहार में यादवों की जनसंख्या अच्छी खासी है, लेकिन ताजा सर्वे रिपोर्ट से साफ हो गया है कि 14% से ज्यादा यादव न केवल हिंदू की सभी अग्रणी जातियों को मिलाकर बनी 15% हिस्सेदारी के लगभग बराबर है, बल्कि 17.7% वाली मुसलमान और 19.7% वाली अनुसूचित जाति से कुछ ही कम है। ऐसी और तुलना करें तो यादवों की आबादी पिछड़े वर्ग की सभी जातियों की कुल जनसंख्या से ज्यादा है। बिहार में आबादी के लिहाज से दूसरे स्थान पर दुसाद जबकि तीसरे स्थान पर जाटव है। ये दोनों उपजातियां अनुसूचित जाति वर्ग की हैं। उनके बाद नंबर पिछड़े वर्ग में शामिल कोयरी का आता है। बिहार की जातीय जनगणना से निश्चित तौर पर 1931 की जनगणना के बाद पहली बार जाति आधारित आबादी के आंकड़े मिले हैं। हालांकि इससे पहले ये पता चल गया है कि सामाजिक आर्थिक स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर की जातियों के बीच आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा गैप है। बिहार में ओबीसी दो वर्गों, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग में विभाजित है। पीएलएफएस यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि उपभोग के आधार पर ओबीसी जातियों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए अब जरूरी है कि ओबीसी की किन उपजातियों की आर्थिक हैसियत कैसी है इसका पता चले। आखिर तभी तो सामाजिक न्याय का मूल मकसद पूरा हो सकेगा।
टीम, न्यूज़ नेशन डिजिटल।